Welcome to our class 12. Last time we discussed chapter number 12, linear programming. In this chapter, we already discussed diode problem. Right now, go for second method. It is called a manufacturing problem. So, diode problem में जैसे हमने देखा था कि diode problem में क्या होता था कि कोई भी dietitian या कोई भी बड़े-बड़े ऐसे खाना बनाने वाले जो भी आइटम होते हैं, शेफ वगैरह वगैरह, वो लोग फूडों की यानी कि दो फूड को मिक्स करते थे और उसमें से एक फूड में इतना कैल्शियम, इतना विटामिन, इतना मिनरल्स या फिर इतना कोलेस्ट्रॉल या फैट या कार्बोहाइड्रेट जो भी गिवन है वो सब को अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितनी रिक्वायरमेंट है या फिर कितना हम यूज कर सकते हैं और उसकी क्या प्राइस होगी, सो उसके अकॉर्डिंग हम उतना मिक्सचर मिक्स करते थे और ऑलमोस्ट केस में हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते थे और मैक्सिमम न्यूट्रिशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो भी हमने मिलता है वो हम गेन करते थे, यानी कि हमें मिनिमम लॉस, यानी कि हमारा जो भी खर्च करना पड़ता है वो क्या होता था, मिनिमम फाइंड करना होता था। अभी यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम में क्या होता है, सपोज कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं आपके सामने, क्लियर, और ये प्रोडक्ट मुझे बाहर बेचनी है और ये प्रोडक्ट पे कुछ इतना वर्क होगा, कुछ इतनी कुछ कंस्ट्रेंट मिलेगी, है ना। सपोज कि मैं दो मॉडल बना रहा हूं या फिर दो स्क्रू बना रहा हूं, स्क्रू गेज, एक टाइप का स्क्रू और दूसरे टाइप का स्क्रू, है ना। मान लो ये एक ये स्क्रू है और ये दूसरा स्क्रू है। ये स्क्रू बनाने के लिए कुछ मैन वर्क, कुछ फिनिशिंग वर्क, कुछ कटिंग वर्क, कुछ मशीनरी होगी, है ना। ये स्क्रू बनाने के लिए भी कुछ मशीनरी, कुछ मैन वर्क, कुछ लेबल वर्क, कुछ कटिंग वर्क, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी मशीन भी होगी उसमें, कुछ उस मशीन की भी कुछ कंडीशन होगी कि नहीं ये मशीन इतने घंटे ही काम कर सकता है एक दिन में या एक वीक में या एक पूरे महीने में, है ना। सो वो कटिंग करने के लिए, वो फिनिशिंग करने के लिए, वो इंडिविजुअल मशीन्स के लिए, वो बहुत सारी मशीन पे हमें कंस्ट्रेंट दी होगी। सो वो कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। सो अब क्वेश्चन मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के होंगे किस पर, कुछ भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पर, और वो प्रोडक्ट पर कंस्ट्रेंट कैसी होगी, कंस्ट्रेंट होगी कुछ मशीन के अकॉर्डिंग और मशीन के कितने टाइम करने की कैपेसिटी है ना, कि वो आपका मशीन मैक्सिमम यहां तक काम कर सकता है, यानी कि हम उससे कम भी काम करवा सकते हैं पर उससे ज्यादा काम नहीं करवा सकते, है ना। सो ये कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ये हम क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूं मैं आपके सामने। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज टू अस योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक टू मॉडल ए एंड बी, यानी कि वो एक कंपनी है दो मॉडल बना रही है ए एंड बी मॉडल। ईच पीसीज ऑफ मॉडल इज रिक्वायर्ड 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिक कटिंग। चलिए देखिए, कुछ कटिंग फैब्रिक कटिंग करने के लिए 9 लेबर वर्क चाहिए उसको, यानी कि कुछ मैन पावर चाहिए, लेबर वर्क चाहिए, कितने 9 आवर्स। देन 1 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग, जो मॉडल बना रहा है वो मॉडल को कटिंग करने में और फिनिशिंग करने में, दो टाइप की कंस्ट्रेंट आपको गिवन है, क्लियर है। यानी कि पहले में क्या गिवन था डाइट प्रॉब्लम में, रिसोर्सेज गिवन थे, विटामिन्स गिवन थे, मिनरल्स गिवन थे, कार्बोहाइड्रेट गिवन थे, फिर कोलेस्ट्रॉल गिवन था। अब यहां पे क्या गिवन होगा, मशीनरी पे लेबर वर्क, है ना, उसमें फिनिशिंग वर्क, लेबर वर्क में फिर फैब्रिकेटिंग वर्क, मशीन की कैपेसिटी, ऐसा सब गिवन होगा। चलिए फिर क्या गिवन है, ईच पीस ऑफ मॉडल बी, देख मॉडल ए के लिए 9 आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग एंड ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 आवर लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 आवर्स लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग, 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग एंड 12 आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग। चलिए फिर क्या गिवन है आपको,
फिफ्थ गिवन है कि फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30 लेबर आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो फैब्रिकेटिंग वाला जो भी आदमी होगा उसको कटिंग करने के लिए मैक्सिमम 180 आर लगेगा, और जो फिनिशिंग करने में जो भी आदमी बैठा हुआ है उसके लिए मैक्स टू मैक्स 30 आर अवेलेबल है, उससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है, उससे कम अवेलेबल होगा। चलिए फिर क्या गिवन है आपको, फिर आपको गिवन है अ कंपनी मेक प्रॉफिट ₹8,000 ऑफ ईच पीस ऑफ मॉडल ए एंड ₹12,000 ईच पीस ऑफ मॉडल बी, सो हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर पर वीक टू रियलाइज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए कितने मॉडल ए के बनाने पड़ेंगे और कितने मॉडल बी बनाने पड़ेंगे वो आपको फाइंड करना है, एज वेल एज वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, यानी कि एक वीक में कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा। सो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर अ कंपनी। चलिए तो शुरुआत करते, जैसे कि हम लोग करते थे डायरेक्ट प्रॉब्लम में, शुरुआत की 2 या 3 लाइन छोड़ देते थे फिर टेबल बनाते थे। सेम टेबल हम यहाँ पे बनाने वाले, देखो सेम टेबल, कुछ भी उसमें इधर का उधर नहीं होगा। सिचुएशन सेम की सेम है, यहाँ पे कुछ रिसोर्स अवेलेबल होगा, दो मॉडल बन गए, वहां पर 2 फुट था पहला मॉडल ए दूसरा मॉडल बी, और यहां पे क्या थी जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी। ओके कौन से रिसोर्सेस थे यहां पे, सो एक था फैब्रिकेटिंग, फैब्रिकेटिंग के लिए कुछ लेबर आवर्स गिवन था और फिनिशिंग के लिए, सो फैब्रिकेटिंग में आपको कंस्ट्रेंट गिवन मिलेगी आपको फैब्रिकेटिंग और फॉर फिनिशिंग। ओके फैब्रिकेटिंग में कितना लेबर आवर्स लगेगा मॉडल ए के लिए, मॉडल ए के लिए 9 लेबर आवर्स और फिनिशिंग में 1 आवर। चलिए बी में, मॉडल बी में 12 आवर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग। ओके और इसमें आपको रिक्वायरमेंट भी गिवन है कि भाई मैक्स टू मैक्स 180 आवर ये काम कर सकता है फैब्रिकेटिंग वाला बंदा, वो क्या है 180, यानी कि उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, उससे कम काम करेगा, राइट। और जो फिनिशिंग वर्क कर रहा है उसके लिए भी ऑक्यूपाइड आवर है 30 पर वीक, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब क्या है, सो प्राइस भी गिवन है आपको, सेम कॉस्ट भी आपको गिवन है, कॉस्ट क्या है सो मॉडल की कॉस्ट क्या यहाँ पे 8,000 और मॉडल बी की कॉस्ट है 12,000। ओके तो कितने मॉडल मुझे बनाने पड़ेंगे, सपोज कि मैं मॉडल ए के एक्स मॉडल बना रहा हूं, ठीक है, या फिर एक्स आइटम बना रहा हूं और मॉडल बी की वाई आइटम बना रहा हूं, यानी कि वाई पीसीस बना रहा हूं एक्स पीसीस फॉर मॉडल ए एंड वाई पीसीस फॉर मॉडल बी। तो ये हमें सपोज करना है, लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई बी, एक्स एंड वाई बी आर मैन्युफैक्चर, बी आर मैन्युफैक्चर पीसीस पर वीक फॉर मॉडल ए एंड
मॉडल बी रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली। चलिए ऐसा हमने सपोज कर लिया कि एक्स एंड वाई मैन्युफैक्चर पीसीज पर वीक फॉर मॉडल ए एंड मॉडल बी रिस्पेक्टिवली। चलिए तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। सो मैक्सिमम जेड विच इज इक्वल्स, ये इसकी कॉस्ट थी यानी कि ये प्रॉफिट मिलता था एक पीस पे। हम कितने पीस बना रहे हैं, एक्स पीस बना रहे हैं, तो उतनी टाइम्स एक्स प्लस एक प्रॉफिट, एक मॉल एक पीस की प्रॉफिट कितनी थी 12,000। उतने हम वाई पीसीज बना रहे हैं, सो वाई। चलिए अब इन दोनों में कंस्ट्रेंट क्या होगी, सो कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू, ओके यहां से क्लियर होगा। अभी जो भी हम पीसीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं जो भी मैंने -10 पीसेस बनाए या फिर मैंने -3 पीसेस बनाए, नहीं, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके सो यहां से क्लियर है एक्स एंड वाई पॉजिटिव, सो वो कंडीशन तो आपकी ऑलवेज है, जो आप सपोज कर रहे हो उसको सही मिल जाएगी थ्रू आउट सारे क्वेश्चन यहाँ इस क्वेश्चन के बाद के। फाइन, फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एक फैब्रिक कटिंग के लिए और एक फिनिशिंग कटिंग के लिए। चलिए यहाँ पे क्या होगा, सो 9x प्लस 12y लेस देन और इक्वल्स टू 180। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3x यहाँ पे बचेगा, 4y और इसमें से 3 कॉमन कट दू तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए तो ये मिला आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 30, तो ये क्या हुआ आपका दूसरा इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन पे x और y ये तो क्या है हमारे पॉजिटिव है। चलिए अब इस इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये था अपना मैथमेटिकल फॉर्मूले क्वेश्चन जो गिवन था सब्जेक्टिव, उसमें हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 3x प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 60, ये लाइन इसके दो पॉइंट ले लो x एंड y, फिर दूसरी लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, इसके भी दो पॉइंट बना दो x एंड y, पहले x इज इक्वल्स टू 0 सो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 15, देन y इज इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी 20। तो क्लियर है ना, अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। चलिए सेकंड, यहाँ पे x is equals to 0 then y is equals to 10 and if y is equals to 0 then x is equals to 30। चलिए ये दोनों पॉइंट दो पॉइंट ग्राफ में ड्रॉ करना है और ये अपना ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अपना ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट ओरिजिन। चलिए उसके बाद यहां पे होगा एक्स पे मैक्सिमम कितना जाना है मुझे 30 तक जाना है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं यहां पे 10, 20, 30। सिमिलरली y का मैक्सिमम कितना है मुझे 15 तक जाना है, सो मैं 5 से बना रहा हूं 5, 10, 15, 20। ये x, ये y, यहां पर y डैश, यहां पर x डैश। चलिए उसके बाद सारे पॉइंट्स हम ले रहे, सबसे पहले x is equals to 0, y is equals to 15, x is equals to 0, y is equals to 15, somewhere over here. Now, second, x is equals to 20, y is equals to 0, x is equals to 20, and y is equals to 0. चलिए इन दोनों में से पास होती हुई लाइन इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा और ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन का इक्वेशन होगा 3x
प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 60, लेस देन और इक्वल्स टू है यानी कि आप x भी 0 पुट करो y भी 0 पुट करो तो क्या मिलेगा आपको 0 0 60 से छोटी वैल्यू है सेटिस्फाई कर रही है मींस यहां पे 90 के सब पॉइंट होंगे इस तरफ नीचे वाले सारे पॉइंट आएंगे। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन सॉरी सेकंड इक्वेशन x = 0 y = 10 ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा x is equals to 30, y is equals to 0, x is equals to 30 somewhere over here. Done? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं यानी कि ये मिला लाइन का इक्वेशन। ओके ये मिल गया हमें ये। अब क्या होगा यहाँ पे सो ये मिलेगा इसका इक्वेशन क्या है आपको x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 30 बट ऑब्वियसली इसमें भी नीचे वाला इक्वेशन होगा सो कुल मिला के कॉमन डिजिट क्या मिलता है मुझे ये कॉमन डिजिट मिलेगा मेरा देन तो ये क्या मिला मुझे कॉमन रीजन ओके सो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है वो लेने लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ओके तो सबसे पहला ये कॉर्नर पॉइंट्स यहां पे इसको ओ बदलो ओरिजिन फिर ये पॉइंट ए फिर ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। चलिए ओरिजिन के पॉइंट क्या हो गए 0 0 पॉइंट ए के क्या हो गए 0 10 पॉइंट बी फाइंड करना पड़ेगा पॉइंट सी 20 0 चलिए पॉइंट ई क्या होगा सो इन दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा जैसे क्लियर यहाँ पे क्लियर तो होगा कि x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 5 कुछ उसके जैसा ही होगा पर एक बार चेक कर लेते क्या मिलता है क्या नहीं। चलिए ये दो इक्वेशन x प्लस 3y which is equals to 30, दूसरा equation px plus 4y which is equals to 60, चलिए ऊपर वाले equation को मैं 3 से multiply करता हूँ, तो यहाँ पर 3 1 जाए 3 हो जाएगा, 3 3 जाए 9, 3 3 जाए 9, ये हुआ 3 से multiplication, आप subtraction कर दो, तो ये cancel, 9 minus 4, 5y, ये क्या हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, 90 minus 60, which is equals to 30, so y is equals to क्या मिला 30 divided by 5, so y is equals to मिलता है आपको 6, y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 6, y की वैल्यू है 6, देखो यहाँ से थोड़ा ऊपर है, then फिर अब क्या होगा, चलिए y की वैल्यू मिली 6, अब ये y की 6 वैल्यू इस इक्वेशन में आपको कर देते हैं y is equals to 6, sorry, हमें y is equals to 6 मिला है, so x plus 3y equals to 30, उसमें मैंने y is equals to 6 पुट किया, तो क्या हुआ 6 3 18, which is equals to 30, 30 इस तरह आएगा तो क्या होगा, x is equals to 30 minus 18, ये क्या हो जाएगा 12, so x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 12 मिल रही है, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 6। चलिए अब ये चारों के चारों पॉइंट ट्रांसफर करने हैं हमारे रिजल्ट टेबल में, सो वो प्रिपेयर कर लेते हैं रिजल्ट टेबल यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन चार पॉइंट है O, A, B एंड C। सबसे पहले पॉइंट O 0 0, पॉइंट A 0 10, पॉइंट B पॉइंट बी क्या है 12 6 एंड पॉइंट सी होगा 20 0। चलिए x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्रूव करूंगा सो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर x इज इक्वल टू 0 यहां पुट करो और y इज इक्वल टू 10 यहां पे पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12000 और उसके बाद एक जीरो लगा देना है, जीरो लगा दिया ये बन गया 1,20,000, ये हुआ मैक्सिमम प्रॉफिट, अभी तक मैक्सिमम नहीं मिला है और जो वैल्यू फाइंड करने की बाकी है। चलिए पॉइंट बी पुट करते हैं यानी कि x इज इक्वल टू 12 12 इज 96
सो 96,000, देन 12 6 72,000 ऐड करो क्या होगा 0 0 0 6 प्लस 2 8 9 प्लस 7 16 सो ये मिलेगा आपको 1,60,000 चलिए ये भी आपको अभी तक मैच मच मिला बट अभी भी एक वैल्यू बाकी है वो फाइंड कर लेते हैं चलिए वो क्या होगा सो एट पॉइंट सी सी पॉइंट सी की वैल्यू क्या होगी 20 0 सो यहाँ पे आप पुट करोगे 20 सो 8 20 पुट करोगे सो 20 8 2 16 ये 0 और बाकी के 3 0 लगा देंगे चलिए तो ये वैल्यू क्या मिली आपको 1,60,000 ये प्रॉफिट होगा पर वीक चलिए इसमें मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या है मैक्स टू मैक्स वैल्यू ये है सो ये आपका मैक्सिमम आंसर सो आंसर क्या होगा सो अ कंपनी मैन्युफैक्चर 12 पीसीज ऑफ मॉडल ए एंड 12 पीसीज ऑफ मॉडल ए एंड 6 पीसीज ऑफ मॉडल बी एंड कंपनी has a maximum profit per week how much 1,68,000 clear with this चलिए so ये पूरा question आप अच्छे से समझ लो ठीक है 3 सेकेंड में अभी वीडियो चला रहा हूं उसके बाद आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे चलिए तब तक के लिए बाय बाय